ऐसा सा इसका इंटीरियर आप पहचान ही नहीं पाएंगे आप किस गाड़ी में बैठे हो, अनटिल अनलेस आप इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे भाई, तुरंत आप देख सकते हैं ये टाटा का सब कुछ टच में दिया हुआ है। ये देखिए टाटा मोटर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अक्षय पांडे भाई। आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ टाटा की न्यूली लॉन्च कार, जो कि ये टाटा की नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023। भाई इस गाड़ी ने अलग लेवल पे धूम मचा रखी है। मतलब भाई इस गाड़ी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। मतलब ये गाड़ी की अगर मैं बात करूँ भाई, इसने इंडिया में अलग लेवल पे मतलब धमाका मचा दिया। इतना फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन, इतने फीचर्स, इतने स्पेसिफिकेशंस इस गाड़ी के हैं कि भाई डिज़ाइन की बात करी जाए, फीचर्स की बात करी जाए, प्राइसिंग की बात करी जाए, सब कुछ बहुत गजब का है। मैं पूरी गाड़ी आपको दिखाता हूँ भाई। फ्रंट से बात करूँ अगर मैं, तो भाई फ्रंट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं LED DRLs, जो कि यहाँ तक भाई पूरे एकदम आप देख सकते हैं। अलग एकदम अमेजिंग सा लुक आ रहा है भाई। ये पूरा ब्लैक पियानो फिनिश में दिया हुआ है। ये इसका फियरलेस वर्जन है। अगर मैं बात करूँ भाई इस गाड़ी की, ये गाड़ी बेस मॉडल 8.5 लाख रुपये से लेकर टॉप मॉडल 13.5 लाख रुपये में है। फ्रंट से मैं बताता हूँ भाई, यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। भाई टाटा कभी अपना लोगो नहीं बदलता, चाहे उसके ट्रक्स हो चाहे उसकी कार हो, लोगो सबके लिए सेम है। ये इसके पूरे LED यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। फॉग लैम्प की कोई वो नहीं है भाई, क्योंकि लाइट्स ही बहुत पावरफुल दी हुई है इसमें। फ्रंट में आपको 2 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा, फ्रंट में भी कैमरा। ये इसकी पूरी अच्छी से ग्रिल आती है, और ये आपको पेट्रोल और EV में देखने को मिलेगी। ये इसका पूरा साइड से डिज़ाइन, ये इसका पूरा फ्रंट से लुक आ रहा है। साइड से अगर मैं बात करूं भाई, ये इसके पूरे ब्लैक पियानो फिनिश में इसके ORVM दिए हैं, उसके नीचे भी कैमरा। ये इसके एलॉयज दे दिए हैं भाई। एलॉयज की अगर बात करी जाए तो एलॉयज यार बहुत ऐसे EV टाइप, थोड़ा मतलब समझ रहे हैं ना, अलग से लुक है। मतलब अगली नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ा अलग सा लुक है एलॉयज का, आप देख सकते हैं। ये साइड में से ब्लैक में क्लैडिंग दे दी हुई है यहाँ पे। ये इसका पूरा साइड से लुक आ रहा है भाई। बहुत फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है यार। यहाँ डोर हैंडल्स में आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स इस तरफ देखने को मिल जाता है, और पैसेंजर साइड में नहीं मिलता, सिर्फ ड्राइवर एंड में आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा डुअल टोन में है भाई, ब्लैक पियानो ऊपर से। ये इसका पूरा साइड से लुक आ रहा है भाई। बहुत धूम मचा रही है यार ये गाड़ी। मैं शोरूम में आया हूँ, इतने लोग विजिट कर रहे हैं इस गाड़ी को देखने के लिए, इतनी ज़्यादा डिमांड में ये गाड़ी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई, गाड़ी का बैक से मैं लुक दिखाता हूँ। बैक से आप देखिए गाड़ी कैसी लग रही है। मतलब अलग एकदम, जब रोड पे निकलेगी ना, इसकी प्रेजेंस आप देख रहे हैं। ये जो LED टेल लाइट जो इन्होंने कनेक्ट कर दी है ना, ये पूरी आप देख सकते हैं, ये बहुत मतलब अलग लग रही है यार, अट्रैक्टिव है ये गाड़ी। और इसके भाई बात करूँ, यहाँ पे आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है। इसका जो वाइपर है भाई, ये ऊपर दिया हुआ है। टाटा कुछ भी कर सकता है, टाटा नेक्स्ट लेवल चीज़ें करता है। खैर, यहाँ पे भी आपको भाई एक रिवर्स कैमरा देखने को मिल जाता है। इधर आपको नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। रिवर्स में भी आपको 2 पार्किंग सेंसर ही आते हैं, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा है यार, तो पार्किंग सेंसर्स में कॉस्ट कटिंग तो करेंगे ही करेंगे। और यहाँ पे आपको बल्ब देखने को मिलता है, कोई LED नहीं, रिवर्स जब आप लाइट चालू करेंगे। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना पीछे, ये इसका पूरा बैक से लुक आता है। अब मैं आपको इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ भाई, बूट आप इसका कैसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको खोलेंगे, ये इसका बूट खुल गया। यहाँ पे आपको भाई LED दी हुई है, और ये पार्सल ट्रे, ये इसका पूरा बूट स्पेस आता है भाई। बहुत अच्छा बूट स्पेस है, ऑलमोस्ट 320 लीटर के ऊपर ही ऊपर है बूट स्पेस इसका। और यहाँ पे आपको एक बल्ब दे दिया है, यहाँ पे 3 किलो तक आप कोई भी सामान टांग सकते हैं आराम से। ये इसका यहाँ पे भाई टायर एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जो कि है रिम में, एलॉय नहीं। ये इसका पूरा ऐसे बूट स्पेस भाई, बहुत गजब की गाड़ी निकाल दी है यार। और ये इसका 12 वोल्ट का यहाँ पे एक चार्जिंग सॉकेट भी आपको प्रोवाइडेड है, और आप इसको आराम से यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये इसका पूरा बैक से लुक है। आइए अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, दिखाता हूँ गाड़ी अंदर से कैसी है यार। मतलब बहुत फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 50 लाख कार्स टाटा की सोल्ड हो चुकी है अभी तक, तो इसका सेलिब्रेशन। अब मैं कीज़ दिख भाई, सबसे पहले वाइपर की बात कर लेता हूँ यार। वाइपर आप देख रहे हैं, मतलब अलग से थोड़ा एकदम डिज़ाइन वाइपर का निकाल रखा है, नेक्स्ट लेवल। खैर बात करी जाए भाई गाड़ी के इंटीरियर की, पहले कीज़ दिखा देता हूँ आपको। कीज़ जैसे टाटा अपनी गाड़ियों में देता है, वैसे इसमें भी कीज़ दे रखी हैं, लॉक अनलॉक, बूट ओपन करने का। रिक्वेस्ट सेंसर जैसे मैंने बताया था, सिर्फ ड्राइवर एंड पे है, पैसेंजर एंड पे नहीं है। अब भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं आपको इंटीरियर दिखा दूँ या डोर पहले दिखा दूँ? पहले इंटीरियर ही दिखते हो आप, एक लुक फिर समझाता हूँ। पहले भाई आपको दिखाता हूँ डोर। यार डोर की अगर बात करी जाए
तो हार्ड प्लास्टिक में पूरा फिनिश, ब्लैक पियानो का यूज़ किया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक, यहाँ पे आपको स्पीकर प्रोवाइडेड है, अम्ब्रेला होल्डर भी दिया हुआ है, बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे क्रोम में फिनिश दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने ORVM भी कंट्रोल कर सकते हैं। चलते हैं भाई अब इसके अंदर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका इंटीरियर। अब इसके इंटीरियर की जितनी तारीफ करी जाए, मतलब सबसे ज़्यादा इस इंटीरियर की तारीफ हो रही है, क्योंकि बहुत फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर बना दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, ये पूरा डिजिटल दे दिया है, मतलब आपको अगर मैं फोटो डाल दूंगा, जब आप इस गाड़ी को बंद कर देंगे ना, ये पूरा ब्लैंक हो जाता है, ब्लैक हो जाता है एकदम, आपको समझ भी नहीं आएगा आप किस गाड़ी में बैठे हैं, अनटिल आप गाड़ी को स्टार्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे टाटा का लोगो डिजिटल उसमें देखने को मिलेगा आपको, ऐसे लाइक जैसे फ़ोन की स्क्रीन्स में आता है वैसे, और यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, ये भी सब डिजिटल है, मतलब ये डिस्प्ले है, ये कोई वो नहीं है, प्रिंट नहीं है, ये डिस्प्ले है भाई साहब। और ये इसका स्टेयरिंग, मतलब स्टेयरिंग देख रहे हैं आप, मतलब भाई टाटा ने क्या बना दिया है यार, एकदम फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी लग रही है यार ये। ये इसके MID भाई देख सकते हैं आप भाई, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मतलब अलग लेवल पे लग रहा है। ये इसका आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसमें जैसे मैंने बताया आपको भाई, इसमें आता है आपको पूरा 360 डिग्री कैमरा। तो क्वालिटी की बात करी जाए, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और इसके आसपास कोई आएगा तो भाई इसमें एक टू 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 सी आवाज़ आने लगेगी, मतलब ये है कि जैसे इस तरफ कोई आ रहा है, इस तरफ कोई आ रहा है, इसमें टू 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 आवाज़ अपने आप आने लगती थी 360 डिग्री कैमरा के थ्रू। ये फ्रंट का सेंसर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, फ्रंट का व्यू, बैक का व्यू, ये 2D व्यू, और इसमें भाई एप्पल कार प्ले, और आपको सब कुछ मतलब बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, एंड्रॉयड ऑटो, सब वायरलेस है। अब भाई बात करी जाए इंटीरियर की, तो ये इसका भाई पूरे ब्लैक में फिनिश दिया हुआ है, बढ़िया इंटीरियर में एकदम ब्लैक में। ये इसकी कुछ डिज़ाइन से सस्ता सा काइवर फाइबर टाइप, कार्बन फाइबर टाइप का लग रहा है, लेकिन मस्त सा लग रहा है यार देखने में। ये इसके AC वेंट्स, और गाड़ी को ऑन ऑफ करने का बटन इधर से दिया हुआ है। ये इसके जो आप कंट्रोल्स देख रहे हैं भाई, ये भी सब टच में है, ये आप इसके इधर से AC का फैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से टेम्परेचर, इधर से AC ऑन ऑफ, ये सब टच में दिया हुआ है। मतलब ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये भाई पूरा सिस्टम टच में है, सब टच में दिया हुआ है। ये आपका इधर इसको गेयर बॉक्स देखने को मिल जाता है, ये इसमें सिटी मोड, इको मोड, स्पोर्ट मोड, ये वायरलेस चार्जिंग का पूरा पैड मिल जाता है भाई, ये फेयरलेस वर्जन है गाड़ी का। और इधर आपको देखने को मिल जाता है ग्लव बॉक्स, काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है, दो कप होल्डर्स इधर ही दे दिए हैं, और ये चीता वीता सब प्रिंट करके दिया हुआ है टाटा ने। यहाँ पे आप अपना गाड़ी के कागज़ वगैरह भी आराम से रख सकते हैं। ये भाई इसका ब्लैक पियानो फिनिश में पूरा साइड में डोर्स में दिया हुआ है, और एयरबैग भाई 6 एयरबैग्स इसमें, मतलब सेफ्टी का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है टाटा ने। ये इधर आपको ट्विटर साइड में देखने को मिल जाता है, ये ऑटो डेमो RVM इधर, यहाँ पे कोई वैनिटी मिरर आपको देखने को नहीं मिलता, इधर आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलता है। ये इसके लाइट्स यहाँ प्रोवाइडेड है, ये पैसेंजर के लिए एयरबैग ऑन ऑफ करना, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। भाई बहुत गजब की गाड़ी है ये, इसमें नीचे आप देख सकते हैं क्लच वगैरह सब यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ये इसके साइड में और कोई कंट्रोल्स नहीं आते। ये भाई अब अगर मैं बात करूँ, ये जो इसका टच में पूरा दिया हुआ है, इसका व्यू वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप देखिएगा ये आप यहाँ से मतलब सब चेंज कर सकते हैं, इसका व्यू कैसा चाहिए, ये पूरा डिजिटल है, मतलब आप देख रहे हैं भाई ये एयरबैग की बैजिंग, ये पूरा डिजिटल दिया हुआ है, ये देखिए इसमें सब तमाम चीज़ें डाल दी हैं यार, इतने फीचर्स हैं कि मतलब एक वीडियो में तो एक्सप्लेन भी नहीं करे जाएंगे यार, हैट्स ऑफ टू टाटा। सीट्स की बात करी जाए भाई, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, मतलब काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी है यार ये, मतलब सीट्स वगैरह बहुत कंफर्टेबल करती हैं। यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दिया हुआ है, इसके अंदर भी काफ़ी डिसेंट स्पेस है, एडजस्टेबल नहीं है, आराम से आप रख सकते हैं हाथ यहाँ पे। ये इसका पूरा ऐसे लुक आ रहा है। आइए मैं पीछे ले चलता हूँ भाई इस गाड़ी में, पीछे आपको दिखाता हूँ कि पीछे से ये गाड़ी लाइक पैसेंजर्स के लिए कैसी है, वहाँ पे क्या क्या प्रोवाइडेड है वो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले बैक डोर्स की बात करी जाए, वही हार्ड प्लास्टिक का यूज़, यहाँ पर थोड़ा सा लेदर का यूज़, और पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर दिया हुआ है, और स्पीकर्स प्रोवाइडेड है। ये भाई इसकी सीट, ओह अब इसके सीट की बात करी जाए भाई, सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे आपको दो हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, ये आर्मरेस्ट इधर दो कप होल्डर्स के साथ। यहाँ पे आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाते हैं भाई, यहाँ पे सी टाइप और USB टाइप दोनों आपको चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाते हैं, आराम से अपना फ़ोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। ये इसका पूरा बैक में केबिन ऐसे आ जाता है, सीट्स वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है, तीन लोग मतलब बैठ सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं लेकिन थोड़े टाइम के लिए तो आराम से बैठ सकते हैं। स्पेस बहुत है यार गाड़ी में, मतलब अच्छा खासा डिसेंट स्पेस है,
और ये इसका पूरा पूरा फ्रंट से आपको लुक आएगा भाई। मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इसका ये इंटीरियर पार्ट, लाइक लिटरली इंटीरियर बहुत सुंदर बना रखा है भाई इन्होंने। आप अगर देखेंगे ना, मतलब वो जो आपको दिख रहा होगा कि यार ये चीज़ जो है ये पूरा डिस्प्ले में दे रखी है। जब मैं गाड़ी, अभी मैं फ़ोटो डालूंगा, जब गाड़ी बंद होती है ना तब कैसी लगेगी, और जब गाड़ी ऑन होती है तो ये सब अपने आप मतलब लाइक ऐसे पूरा डिजिटल डिस्प्ले आएगा। बहुत गज़ब का इंटीरियर, पूरा ये ब्लैक में रूफ दिया हुआ है, बहुत गज़ब की गाड़ी बना दिया टाटा ने। ये पूरा गाड़ी का लुक भाई। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम इज़ ओके ओके, क्योंकि मेरी 6 फीट हाइट है तो उस सबसे अच्छा खासा लाइक हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है हेडरूम, और काफ़ी कंफर्टेबल है यार ये गाड़ी, नाइस। इधर भी एयरबैग भाई, बहुत एयरबैग्स दे रखे हैं, 6 एयरबैग हैं इस गाड़ी में। सो आई होप आप लोगों को एक गाड़ी अच्छी लगी होगी भाई। टाटा ने बहुत गजब की गाड़ी निकाल दी है, नेक्सॉन फेसलिफ्ट 2023। ये आपको पेट्रोल और ईवी में देखने को मिलेगी। मैं ईवी वाली का भी रिव्यू जल्दी लेके आऊँगा, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए भाई आपको गाड़ी कैसी लगी। आप आयो मतलब आप बहुत सारी मीडिया कंपनीज में अभी तक ये गाड़ी देख चुके होंगे, लेकिन ये रिव्यू मेरी तरफ से था। आप इसको देखिएगा और मुझे बताइएगा भाई ये गाड़ी आपको कैसी लगी, कैसी थी ये गाड़ी, मतलब इसके जो डिज़ाइन पार्ट है इसका, मतलब लाइक जो एक थॉट प्रोसेस है, मतलब इतना फ्यूचरिस्टिक सी गाड़ी टाटा से एक्सपेक्ट करना, मतलब भाई टाटा नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है, इंडिया में बूम मचा रहा है टाटा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ये गाड़ी भी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइए भाई गाड़ी आपको कैसी लगी, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।